और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, देवरिया पहुंचे सपा चीफ अखिलेश यादव। अमौसी एयरपोर्ट से पहले विमान के जरिए गोरखपुर पहुंचे और फिर गाड़ी से देवरिया पहुंचे। संत कबीर नगर में खलीलाबाद में पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देवरिया में स्वर्गीय बाबूलाल यादव के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। बाबूलाल यादव के पुत्र डॉक्टर दिलीप यादव से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। स्वर्गीय बाबूलाल यादव लंबे समय तक सपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और नेताजी के खास सहयोगी रहे। तो सपा चीफ अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने देवरिया में स्वर्गीय बाबूलाल यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया, उनके बेटे से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनके पिता के सियासी योगदान को सराहा। आपको बता दें कि स्वर्गीय बाबूलाल यादव लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का जिले में नेतृत्व करते रहे हैं, जिलाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। कई शिक्षण संस्थानों की उन्होंने स्थापना की और नेताजी मुलायम सिंह यादव के खास सहयोगी माने जाते हैं। उनके निधन पर अखिलेश यादव शोक व्यक्त करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। इस मौके पर अमौसी एयरपोर्ट से पहले विमान के जरिए गोरखपुर अखिलेश यादव पहुंचे और फिर वहां से गाड़ी से देवरिया पहुंचे। संत कबीर नगर में खलीलाबाद में पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव की प्रतिमा पर भी अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव निकाय चुनाव से पहले लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। निजी कार्यक्रम हो या फिर पार्टी से जुड़े कार्यक्रम हो, सब में पहुंच रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं, जिसका फायदा भी उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। अब देवरिया पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बाबूलाल यादव के पुत्र डॉक्टर दिलीप यादव से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की, उनके पिता के सियासी योगदान को भी सराहा। बाबूलाल यादव जो कि लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत पिलर देवरिया में रहे, पार्टी का नेतृत्व करते रहे, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और उनकी जिलाध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में भी रही। डॉक्टर बाबूलाल यादव जो कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के खास सहयोगियों में शामिल हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया, तमाम ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जिनसे आज हजारों बच्चे ज्ञान का दान ले रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार सक्रियता बरत रहे हैं। देवरिया पहुंचने से पहले वो एमओसी एयरपोर्ट पर विमान के जरिए पहुंचे थे, जहां गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने गाड़ी का सहारा लिया और गाड़ी से देवरिया पहुंचे। संत कबीर नगर में भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्टे किया और खलीलाबाद में पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव की सक्रियता साफ संकेत देती है कि वो आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी के चलते निजी कार्यक्रम हो या पार्टी से जुड़े कार्यक्रम हो, लगातार वो उनमें मौजूदगी दर्ज करवाते हैं, जिससे कि उनके कार्यकर्ताओं का भी जोश बरकरार रहे और पार्टी की स्थिति भी साफ रहे। आपको बता दें कि विरोधियों की तरफ से लगातार जो चुनौतियां मिल रही हैं, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए अखिलेश यादव के लिए जरूरी भी है कि वो सक्रियता को बरकरार रखें और कार्यकर्ताओं को एक डोर से बांध कर रखें, एकजुटता बनी रहे।